الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره معونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ऐसे तफसील के साथ दुल्हों के सामने भी दुल्हन के सामने भी उनके माँ बाप के सामने भी तफसील के साथ बात आ गई कि निकाह का मकसद क्या होता है। एक मर्द को अपनी औरत के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, एक औरत को अपने शौहर के साथ क्या सलूक रखना है, माँ बाप को अपने दामाद के साथ या अपनी बहू के साथ क्या रवैया अख्तियार करना है। इसलिए कि ये रिश्ता बड़ा मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है। उलमा ने ये बात लिखी है, कायनात के अंदर सबसे पहला जो रिश्ता वजूद में आया है कायनात में, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी जो मियाँ बीवी का वजूद में आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, नहीं माँ है न बाप है। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है एक कौल के मुताबिक उनकी पसली से बनाया गया, और इन दोनों में आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता वजूद में आया। तो गोया उलमा ने कहा है सबसे पहले अगर कायनात में कोई रिश्ता वजूद में आया हो तो मियाँ बीवी का है। और ये क्यों बनाया, जो मैंने अभी आयत पढ़ी कि रिश्ता आपस में सुकून के लिए होता है, तमानिनत के लिए होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को, इंसान चाहे मर्द हो या औरत हो, माँ बाप हो या सास बहू का मसला हो, उनकी ज़िंदगी खुशगवार और सुकून के साथ गुजरे। इसीलिए निकाह जब पढ़ाने वाला जब निकाह पढ़ाता है तीन आयतें पढ़ता है, एक सूरह निसा की पहली आयत पढ़ता है, दूसरी जो है चौथे पारे की जो दूसरा रुकू जो शुरू होता है उसकी पहली आयत पढ़ता है, और तीसरी जो है 22वें पारे में सूरह अहज़ाब के आखिरी रुकू की जो आयत पढ़ता है। और तीनों में सबसे पहले यही हुक्म है, या अय्युहन्नास तक़ु रब्बकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़ तुक़ाती, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। जो तीन आयतें, तीनों की तीनों आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवे का हुक्म दिया है। यानी निकाह पढ़ाने वाला निकाह पढ़ाते वक्त दुल्हे को और दुल्हन को ये पैगाम दे रहा है कि जिस मकसद के लिए तुम निकाह पढ़ रहे हो उसमें अगर तकवा होगा तो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार रखेगा, वरना कितनी ही कोशिशें कर लो अगर तकवा नहीं है, ज़िंदगी में दीन नहीं है, दीन पर अमल नहीं है। जैसे भी कहा प्रमुख साहब ने कि सादगी, सादगी का मतलब क्या है, ये नहीं कहते कि सादगी से मतलब तुम पुराने फटे कपड़े पहनो, सादगी का मतलब ये कि खाने में तुम जो है फाके बर्दाश्त करो, यानी अपने निकाह को सुन्नत व शरीयत के मुताबिक बनाओ। शरीयत ने जैसी रहबरी की है, जिस तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने जो निकाह किए हैं, आपने अपनी बेटी का जो निकाह करवाया है, आपने अपने मातहतों में हज़रत अली का जो निकाह करवाया है, ज़ैद इब्ने हारिसा का जो निकाह करवाया है, इन निकाह को देखो कि आपने निकाह कैसे किया है और अपने मातहतों का निकाह कैसे करवाया है। इसलिए सबको जोड़ा और हर एक को जो उसका मकसद समझाया। बाज़ मरतबा होता है आदमी का मिजाज नहीं मिलता, उसकी मिसाल ये लेते हैं जैसे दो दरख्त होते हैं। अब कोई आदमी जो बड़ा ही होता है, सुथार होता है, वो लकड़े का जो है अपनी कारीगरी वहाँ पर जाहिर करता है। अभी एक ये लकड़ा है दरख्त का, एक ये है, अब दोनों को मिलाकर कोई चीज़ बनानी हो तो थोड़ा कटिंग उसको भी होना पड़ता है, थोड़ा कटिंग उसको भी होना पड़ता है।
वो यूँ समझे, नहीं हम लड़के वाले हम क्यों झुके, ये हमसे नहीं हो सकता। लड़की वाले यूँ समझे कि लड़की ये तो कमज़ोर है, उससे क्या हो सकता है। जिसको अपने बोलता जो है आपस में थोड़ी मुसालहत कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, इसके बगैर जो है आदमी की ज़िंदगी नहीं चल सकती। चाहे सास बहू का मसला हो, मियाँ बीवी का मसला हो, ननद भावज का मसला हो, कोई भी मसला हो, आपस में ये रंजिशें और आपस में चीज़ें रहती है, उसमें समझदारी के साथ आदमी चलता है तभी जाकर आदमी जो है उस रिश्ते में कामयाब होता है। वरना फिर अगर उसके अंदर जो समझ नहीं है, दीन की समझ नहीं है, दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, तो जो सुकून का ज़रिया था, जैसे आज है आम मतन ये माहौल है, आम मतन ये माहौल है, जबकि कुरान कह रहा है कि वमिन आयाती खलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारी जो है बीवियों को बनाया। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम आपस में एक दूसरों से सुकून हासिल करो। आज सुकून नहीं है, जबकि कुरान ने कह दिया बनाया इसी मकसद के लिए। जब मकसद में मालूम हुआ कि अगर कामयाबी हासिल नहीं हो रही है तो इस्तेमाल गलत हो रहा है, और रिश्तेदारी का जो रिश्ता है उसका इस्तेमाल गलत है, जिसकी बुनियाद पर यह चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और अगर आदमी दीन से हटकर आदमी ये चाहे कि मैं अपनी ज़िंदगी को बना लूँ, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए पहले शादी ब्याह का जो मसला है, आम मतन जैसे शादी से पहले ये होता है, अलग अलग तरीके रस्म रिवाज होते हैं, अब तो क्या बयान करें। बाज़ मरतबा ने बयान भी नहीं कर, इसलिए बाद नहीं होते वो भी दाखिल हो जाते कहने से। रसूम और रिवाज जो है, अगर जो भी है अपने यहाँ के उलमा से, दीनदारों से, समझदार तबके से मिलकर जो है कि शादी किस तरीके से करनी, और तफसील के साथ अभी समझा दिया कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। अभी जितने दिन बचे हैं उसमें भी शादी का मरहला कैसे हो, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी हो, इसलिए तफसील के साथ हमारे सामने बात आई है। और ये मुस्तकिल एक निज़ाम, हालांकि हमें ये लगता है गोया एक घंटे का निज़ाम है, ये घंटे का नहीं है, तकरीबन 15-20 दिन से मुसलसल फिक्रें उससे पहले से जारी है। इन 15 दिन से तो मुसलसल इस चीज़ के बारे में, ये सिर्फ जोड़ करने के लिए, ये काउंसिल के जो साथी इधर से उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई तो उनका मकसद होगा, कुछ तो उनका मकसद होगा, इतना खर्च करना, इतनी जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठाना और इधर उधर इतनी सारी फिक्रें करना, कोई तो मकसद होगा। मैं तो ये कहता हूँ अगर एक ने भी अमल कर लिया, इन दौड़ भाग करने वालों की अल्लाह से उम्मीद नजात का जरिया बन जाएगा। लेकिन अब हमें फिक्र करनी, माँ बाप को फिक्र करनी है कि मैं अपने बच्चे का निकाह जिंदगी में एक मरतबा मौका आता है। एक मरतबा एक अल्लाह वालों ने एक वाक्य सुनाया कि बाहर के मुल्क में एक नौजवान का निकाह हुआ। मैं आपको तरगीब नहीं ले रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ जाए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आम मतन जहाँ कहीं निकाह का मसला होता है मैं ये बात रखता हूँ, मियाँ बीवी ने आपस में तय किया कि हमारा निकाह हुआ है, ज़िंदगी में अब ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, ये मौका ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाला, क्यों ना हम इस रात को अल्लाह के हवाले कर देवे, चूँकि ये रात अब कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ, माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, दुल्हों से कहना चाहता हूँ, दुल्हनों से कहना चाहता हूँ कि दी रात नहीं तो दीन, ये दीन जो हमारी ज़िंदगी में एक सुन्नत की वजह से आया है, क्यों ना हम उसको सुन्नत के हवाले कर देवे। आइंदा ये दिन मौका नहीं मिलेगा, और हम चाहते हैं उस दीन के अंदर अपने जो है घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, हत्ता के समाज के बड़ों को, सबको राज़ी करें। तो जब सबको राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी न करें। जिसको नाराज़ होना हो अल्लाह और उसका रसूल नाराज ना हो जाए, इतना अहतमाम होता है। जो बर्तन धोने वाली उसको भी दो जोड़ कपड़े ज़्यादा देते हैं, जो सफाई करने के लिए कोई भंगन आ गई उसको भी एक जोड़ी कपड़ा दे देते हैं कि खुशी का मौका है, कोई नाराज़ ना हो जावे। तो साथ में ये भी सोचे खुशी का मौका अल्लाह ने अपने फजल से दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो उस खुशी के बहाने में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ कर देवे। और अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो गया दूसरों को राज़ी करने के चक्कर में, दूसरों को राज़ी करने के चक्कर में अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो गया, तो जितने दूसरे इंसानों का दिल अल्लाह के हाथ में है, जब खालिक नाराज़ होगा तो मखलूक आज नहीं तो कल नाराज़ हो जाएगी। और खालिक को राज़ी करने के लिए किसी को नाराज़ करना पड़ा तो हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम का दिल मेरी दो उंगलियों के दरमियान में है,
جب اللہ راضی ہوگا تو مخلوق میں سے جو ناراض ہوا ہے اس کو بھی راضی ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس موقع پر اس بات کا یہاں سے تہیہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ سنت اور شریعت کی روشنی میں جو ہماری رہبری کی گئی ہے، میں اپنے بچوں اور اپنی بچوں کی شادی اس طرح کرواؤں گا۔ دلہے اور دلہن کو چاہیے کہ میں اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کروں گا کہ کہیں ایک سنت کو ادا کرتے کرتے کہیں کوئی حرام کام وجود میں نہ آ جاوے، میری دعوت کھاتے کھاتے لوگوں کی نمازیں قضا نہ ہو جاوے، کھلانے والوں کی نمازیں قضا نہ ہو جاوے، ایک سنت کو ادا کرتے کرتے میری گھر کی عورتوں کے جو ہیں غیر محرم کے سامنے ان کے چہرے نہ کھل جاوے، ایک سنت ادا کرتے کرتے حرام کام وجود میں آ گیا تو اس کی وجہ سے اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی نحوست پوری زندگی آدمی کو پریشان کی رکھے۔ اس لیے مختصر سی بات یہ بس میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک جو ہے اس بات کو لے کر، پھر لڑکی اپنے گھر میں آ رہی ہے یا لڑکا اپنا داماد بن رہا ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ ہر جگہ پر میں یوں سمجھوں میری ہی چلے، شوہر سمجھے میری ہی چلے، بیوی سمجھے میری ہی چلے، اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپس میں جو ہے محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے جو ہے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، جیسے بھی بتایا گیا کہ کس کے کیا حق ہیں، ان حقوق کے خیالات رکھتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب آدمی سنت و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو جا کر جنت، جو قبر میں جا کر سکون سے سونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے گھر کو ہی، اللہ اس کی زندگی کو ہی جیتی جاگتی جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ اور اگر سنت و شریعت زندگی میں نہیں ہے، دین زندگی میں نہیں ہے، تو قبر میں جا کر مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ زندگی کو ہی جہنم کا نمونہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے کہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ جیسے قبر میں جا کر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مر سکتا ہے نہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے جو باتیں ہمارے سامنے آئی جو سنت و شریعت کی روشنی میں آئی ہے، علماء مستقل 3-4 دن بلکہ بعض ہفتے سے 10 دن سے مستقل اس پر مطالعہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا بات ہمارے قوم کے جو جوانوں کے سامنے آوے، ہمارے قوم کے ذمہ داروں کے سامنے آوے، گھر کے ذمہ داروں کے سامنے آوے۔ آپ کے سامنے جو ہے ان ساری جو اپنی محنتوں کا جو ہے نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک درد کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ رکھا ہے، تو میں آپ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ فرما، دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، جنہوں نے محنت اور کاوش کی اللہ ان کی محنت اور کاوش کو قبول فرما۔ یا اللہ دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو نکاح ہونے والے ہیں آئندہ، یا اللہ ان میں بے انتہا برکت نصیب فرما۔ زوجین میں آپس میں اخلاص والی محبت نصیب فرما، اخلاص والی محبت نصیب فرما۔ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی میں نصیب فرما۔ یا اللہ قوم کے بڑوں کی یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کے اعمال میں، ان کی یا اللہ نیتوں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، ان کو ہمت طاقت نصیب فرما، ان کی بہترین رہبری فرما۔ یا اللہ ہماری قوم میں اور پوری امت مسلمہ میں آپس میں جوڑ، محبت، اتفاق، اتحاد، الفت، انسیت، مودت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے موت تک قبول فرما، اخلاص اللہ کی اللہ توفیق نصیب فرما، اخلاص اللہ نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما۔ جو ساتھی فکریں کر رہے ہیں اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما، جو قربانی دے اپنی ان کی قربانی کو قبول فرما۔ یا اللہ اجتماعی نکاح میں جن لوگوں نے جن اعتبار سے قربانی دی ہو، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے موت تک اخلاص اللہ کے ساتھ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری مجلس میں اللہ برکت نصیب فرما، برکت عطا فرما، اللہ دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہم بھی آپ سے مانگتے میں عطا فرما۔ جن شر و فتن سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ مانگتے پناہ نصیب فرما۔
हम भी पना मांगते हैं, पना नसीब फरमा, हम सब के जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन।